हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि जो नई सरकार बनेगी आपकी मोदी सरकार ने, जो सरकार बनाने के बाद में कौन कौन से नेता को कौन सा मंत्रालय पद मिला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से मंत्री, जो नेता है आपका, उस नेता को कौन सा पद संभाल दिया गया है, उसको दे दिया गया है। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट में दिखा दूंगा, इसमें उन मंत्रियों के नाम भी बताऊंगा इसमें, और उनको कौन सा पद दे दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरी करेंसीज में स्वागत है। तो गाइज, यहाँ पर हम बात करेंगे जो नया मंत्रिमंडल पद बनाया गया है 2024 के अनुसार मोदी सरकार 3.0, यानी जो मोदी सरकार तीसरी बार फिर से लहर ले आई है। यहाँ पर कौन कौन से नेताओं को कौन सा मंत्रालय पद मिला है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप इन नेताओं के नाम के बारे में यहाँ पर हम बात करें, इस कॉर्नर साइड में तो होंगे नेता के नाम, होंगे इस कॉर्नर साइड में होंगे इनका पद, इनको कौन सा पद कार्य संभाल दिया गया है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है इन नेताओं के नाम, जैसे अमित शाह को, अमित शाह जी हैं उनको गृह मंत्रालय दे दिया गया है। ठीक है, और जेपी नड्डा जी हैं उनको दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री पद दे दिया गया है, उनको स्वास्थ्य मंत्री पद संभाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप बात करेंगे थर्ड नंबर पे नितिन गडकरी जी हैं, उनको सड़क परिवहन मंत्री का पद दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से सभी का मैं आपको बताऊँगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। इसमें नीचे और भी हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट में आता है हमारा अजय टमटा, यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका नाम है पूरा अजय टमटा, इनको दिया गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्रो कर सकते हैं सड़क परिवहन राज्य मंत्री पद दिया गया है। इस तरह हर्ष मल्होत्रा जी हैं उनको दिया गया है सड़क परिवहन राज्य मंत्री पद होगा। एस जयशंकर जी को दिया गया है विदेश मंत्री का, यहाँ पर देख पा रहे हैं विदेश मंत्रालय। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी हैं उनको यहाँ पर हम आपको दिखाऊंगा, ध्यान रखना आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, आपके जीके में आ सकते हैं, किसी में आ सकते हैं। अश्विनी वैष्णव जी हैं उनको रेल मंत्री पद दिया गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पद भी दे दिया गया है, उनको दोनों पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जो कि मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्हें दिया गया है ऊर्जा मंत्री और शहर विकास मंत्री का पद दिया गया है श्री मनोहर लाल खट्टर जी को। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले जो हमारे नेताजी हैं श्रीपद नाइक जी को कौन सा पद दिया है ऊर्जा राज्य मंत्री का, यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्जा राज्य मंत्री पद का। अगले हमारे जो नेताजी हैं उनका यहाँ पर देख पाएंगे पूरा नाम जीतन राम मांझी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जीतन राम मांझी को, जीतन राम मांझी को कौन सा पद दिया गया आपके सामने स्पष्ट बिल्कुल साफ अक्षरों में है, यदि फिर भी कुछ डाउट है तो यहाँ पर डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी बना गया है उनको। ठीक है, अगला हमारा जो मंत्री होगा उनका नाम है शोभा करंदलाजे। ठीक है, उनका पूर्व मंत्री कौन सा दिया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री पद दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा जो मंत्री का नाम होगा शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्रालय दिया गया है, पंचायती राज मंत्री पद भी दिया गया है, इनको ये कार्य संभाल दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट में बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री पद दे दिया गया है इनको, धर्मेंद्र प्रधान जी को कौन सा पद दिया गया है शिक्षा मंत्री पद। आपके लिए जीके के क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे राजनाथ सिंह को दिया गया है रक्षा मंत्री पद दिया गया है, जो राजनाथ सिंह हमारे नेताजी हैं उनको रक्षा मंत्री पद दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर देख पाएंगे निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में बात करेंगे चिराग पासवान जी हैं, देख पा रहे हैं चिराग पासवान जी को यहाँ से लेकर यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, केंद्रीय खेल एंड युवा कल्याण मंत्री पद दिया गया है, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद। ठीक है, इसी तरह अगला हमारा होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एंड पर्यटन मंत्री पद दिया गया है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री पद का दिया गया। ठीक है, सुरेश गोपी जी को यहाँ पर देख पाएंगे, सुरेश गोपी जी को कौन सा दिया गया है संस्कृति एंड पर्यटन राज्य मंत्री पद। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिला आपको अलग अलग बात है, यहाँ पर पर्यटन भी है
और यहाँ पर राज्य का ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये अलग हो गया अलग से, ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ पर देख पा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ पर देख पाएंगे, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री मंडल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में होगा हमारा किरेन रिजिजू, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं किरेन रिजिजू को संसदीय मामलों के मंत्री बना दिए गए हैं। राम मोहन नायडू जी को क्या बनाया गया, सिविल एविएशन मंत्री बना दिया गया है। पीयूष गोयल जी को क्या बनाया है, वाणिज्य मंत्रालय दे दिया गया है। अगला होगा सर्वानंद सोनोवाल जी को, इनको दिया गया है सो पोर्ट शिपिंग मंत्री बना दिया, वाह भाई वाह, पोर्ट शिपिंग मंत्री बना दिया गया इनको, ठीक है। नेक्स्ट में आप बात करेंगे शांतनु ठाकुर को, शांतनु जो ठाकुर है उनको पोर्ट शिपिंग राज्य मंत्री बना दिया गया है। इसी तरह अगला हमारा होगा सी आर पाटिल जी को क्या बनाया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं जल शक्ति मंत्री पर। नेक्स्ट में हम बात करें भूपेंद्र यादव जी को, यहाँ पर देख लो जी इनको दिया गया है पर्यावरण मंत्री का कार्यभार संभाल दिया है। अन्नपूर्णा जो देवी जी हैं उनको महिला एवं बाल विकास मंत्री पद दे दिया गया है, ठीक है। इसी तरह इन सभी का यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे रवनीत बिट्टू, रवनीत बिट्टू जी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बना दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें तोखन साहू को दिया गया है शहरी विकास एंड राज्य मंत्री पद दे दिया गया है। प्रहलाद जोशी जी हमारे हैं उपभोक्ता मामलों के मंत्री बना दिए गए हैं। लास्ट है हमारे यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी, इनको पेट्रोलियम मंत्री पद दे दिया गया है। इनको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की तरफ से, कैरेकर एनसीसी की तरफ से बहुत ज़्यादा ढेर सारे शुभकामनाएं। तो गाइज यदि आपने इन मंत्रियों के नाम वगैरह इनको देखना चाहें इस तरह से, मैं फिर आपको दोहराऊंगा इसमें, जैसे इस साइड में नेता के नाम है, इस साइड में इनका मंत्री पद है, इनको मैं यहाँ पर स्क्रॉल बार ऊपर कर लेता हूँ, अच्छे से देख लें। यदि फिर भी लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भाई ने यदि नहीं देखा है तो वो भी अपना चेक कर लें, उनको याद कर लें। अगले जो नेक्स्ट टाइम जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें इन क्वेश्चनों का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इनको अच्छे से ध्यान रखें कौन सा नेता का कौन सा मंत्री पद है, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।